छह हफ्तों में 3 ट्रेन हादसे, 17 लोगों ने गंवाई जान, 100 से ज्यादा हुए घायल। रेलवे को इस साल 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। रेलवे मंत्रालय की डेटा के अनुसार ट्रेन दुर्घटनाओं में गिरावट आई है। 2000 से 2001 तक 473 ट्रेन घटनाएं हुई थी। इसके बाद 2014 और 2015 में ये संख्या घटकर 135 हो गई और 2022 में ये संख्या घटकर 48 हो गई। पिछले साल ओडिशा रेल हादसे के बाद से सुरक्षा को लेकर चिंता जस की तस बनी हुई है। इस हादसे में करीब 290 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि ओडिशा रेल हादसे के बाद भी कई रेल दुर्घटनाएं देखने को मिली। मंगलवार को झारखंड के 12 बांबो में हावड़ा मुंबई मेल के 18 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे को लेकर पिछले 6 हफ्तों में कई ट्रेन पटरी से उतर गई और 3 यात्री ट्रेन दुर्घटनाएं हुई जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मुख्य ट्रेन हादसों पर गौर किया जाए तो ये सारी दुर्घटनाएं इस साल जून से जुलाई के बीच घटी जिसमें 17 की मौत और 100 से अधिक घायल हुए। पिछले महीने 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी जिसमें 11 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। अधिकारियों के अनुसार न्यू जलपाईगुड़ी के पास टक्कर इसलिए हुई क्योंकि एक मालगाड़ी सिग्नल को अनदेखा करते हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इसी महीने 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 35,000 लोग घायल हुए। इस हादसे को लेकर अधिकारियों का कहना है कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन दुर्घटना ट्रैक में तोड़फोड़ के कारण हुई। इसके बाद 30 जुलाई को हावड़ा मुंबई मेल और एक मालगाड़ी का आपस में टक्कर होने की आशंका है। रेलवे को इस साल 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। रेलवे मंत्रालय के डेटा के अनुसार ट्रेन दुर्घटनाओं में गिरावट आई है। 2000 से 2001 तक 473 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई। उसके बाद 2014 और 15 में ये संख्या घटकर 135 हो गई और 2022 में ये संख्या घटकर 48 हो गई। रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए कवच प्रणाली की स्थापना में बार बार तेज गति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह एक खास तरह का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच प्रोटेक्शन तकनीक को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बनाया गया है। गौरतलब बात है कि इस तकनीकी पर भारतीय रेलवे ने साल 2012 में ही काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान इस तकनीक का नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS था। इस तकनीक का पहला ट्रायल साल 2016 में किया गया था।